मेरे सामने एक प्लेटिना है, विदाउट सेल्फ में है गाड़ी और एसी प्लस डीसी बाइक है, तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। जस्ट इसके अंदर कुछ ऑयल भी कम था जबकि इसमें ऑयल को डाल दिया गया है। साथ साथ बताता चलूँ, ना ही तो इसके स्पार्क में दिक्कत है और ना ही तो कोई करंट का इशू है और ना ही पेट्रोल का। सबसे पहले चाबी स्विच ऑन करूँगा और यहाँ पे किक को लगाएंगे। सबसे पहले इसमें एक साउंड आ रहा है, चलिए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है इस तरीके से। चलिए मारिए, किक लगाते हैं अभी। ठीक है, रुक जाइए, गाड़ी पूरी तरीके से स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है? टाइमिंग का इशू है, टाइफिट का इशू है, बाल बैंड है, या पिस्टन में कोई प्रॉब्लम आया है, या कोई डस्ट पार्टिकल पहुंच गया है? उसको समझने के लिए सबसे पहले इसके साइड पैनल, इसके सीट को और इसके फ्यूल टैंक को मुझे ओपन करना होगा। उसके लिए इसके टाइफिट ढक्कन को खोलते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाते चलते हैं आखिर क्या हो रहा है। जस्ट गाड़ी हीट है और गाड़ी चल के आई है, बस रास्ते में ये गाड़ी बंद पड़ गई है और जस्ट अभी हमारे पास आई है। इसको ओपन करते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम का सलूशन दिखाते हैं। बाल बैंड हो गया है, बाल टाइट है या क्या है वो खोलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन 100% इसके हेड में ही कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसके पेट्रोल टैंक को यहाँ से उतार लेते हैं। इसके पेट्रोल टैंक को ओपन कर दिए हैं, इसके लीड कॉइल को ओपन करेंगे और इसके यहाँ से इसको हटा के सबसे पहले इसके टाइफिट ढक्कन को 8 नंबर के 4 बोल्ट ओपन करना होंगे हमें। मैंने सारी चीज़ों को ओपन कर दिया है, इसकी कॉइल को यहाँ से खोल दिया है, टाइफिट ढक्कन को फ्री कर दिए हैं बोल्ट खोल के। इसके ढक्कन को बाहर की साइड निकाल लेंगे क्योंकि आपको दिखाते चलते हैं आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए सबसे पहले मुझे उस साइड जाना होगा। इसके टाई फिट को अगर देख रहे हैं अच्छे से हैं और उम्मीद हो रही है कि इसका बाल बैंड हरगिज भी नहीं है, बाल का कोई इशू नहीं है। सबसे पहले मैं आपको इसके राइट हैंड साइड लेकर चलता हूं। इसको पिस्टन को टॉप पे लेंगे और इसकी टाइमिंग को सबसे पहले चेक करेंगे। मैंने इसके टाइमिंग को अच्छे से परफेक्ट तरीके से ले लिया है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो मैंने एक एक दाता अच्छे से काउंट कर लिया है। टाई फिट को चेक कर रहे हैं तो बराबर साइड पे ले दिखा रहा है और ये वाला भी बराबर साइड पे ले दिखा रहा है। इससे मुझे क्लियर पता चलता है कि हमारी गाड़ी का जो है बाल बैंड नहीं हुआ है और बाल का कोई ऐसा इशू नहीं है। अब यहाँ से तो टाइमिंग अच्छा दिखा रहा है, टाइमिंग यहाँ से परफेक्ट है। उसके लिए सबसे पहले मुझे मैग्नेट के कवर पे चेक करना होगा कि टाइमिंग अच्छे से अपने एरो के निशान पे दिखा रहा है या नहीं। सबसे पहले इसमें टाइमिंग का ही इशू है, इसलिए मैं उसके उस साइड जाता हूँ और आपको इसका टाइमिंग चेक कराता हूँ। यहाँ से मैंने अच्छे से गरारे को टॉप पे कर रखा है। टाइमिंग को परफेक्ट लेने के लिए मुझे इसके कवर को ओपन करना होगा। इसके मैग्नेट कवर को ओपन कर लेते हैं, जब ही टाइमिंग एकदम अच्छे से परफेक्ट मिल पाएगा, क्योंकि मैनुअल प्रॉब्लम है इसके अंदर और कोई इशू नहीं है। इसमें सिर्फ 100% टाइमिंग का ही इशू है, ज़्यादा मगजमारी वाला काम नहीं करते हैं, इसलिए इसके अच्छे से टाइमिंग को लेते हैं परफेक्ट तरीके से, तभी आपको दिखाते चलते हैं। और इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और ये भी बताएंगे कि टाइमिंग का प्रॉब्लम क्यों आया है गाड़ी में इस तरीके से। उसके लिए सबसे पहले इसके कवर को ही ओपन करना होगा। मैग्नेट कवर को अच्छे से साफ कर दिए हैं, आपको प्रूफ और अच्छे से दिखाते चलेंगे। तो यहाँ पे ये टी का निशान मिलेगा मैग्नेट के और यहाँ पे इसके हल्का सा लोगो लगा रहेगा, तो इस तरीके से ये यहाँ से टाइमिंग परफेक्ट हो जाता है। तो इसको यहाँ पे जब मैंने लिया तो इसके साथ साथ मैं इसकी गरारी को दिखाता हूँ, पूरी तरीके से इसका टाइमिंग आउट है। मैं आपको दिखाता चलता हूँ, यहाँ टी के निशान पे रख देते हैं। अब आपको इसकी गरारी की तरफ लेकर चलते हैं, कैमशाफ्ट पे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कितना ज़्यादा, पूरा आधा टाइमिंग आउट पड़ा हुआ है। यहाँ पे एरो का निशान यहाँ होना चाहिए था और टी को बिल्कुल इसके बीच में होना चाहिए था। तो आप देख लीजिएगा पूरी तरीके से इसका टाइमिंग आउट पड़ा है और टाइमिंग आउट का कारण क्या है ये भी आपको बता देते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके टाइमिंग चेन की वजह है जो ये इसका टाइमिंग आउट हुआ है। तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इसके सिर्फ टाइमिंग को अच्छे से मिलाऊंगा। परफेक्ट तरीके से टाइमिंग को लेने के बाद आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएंगे,
कोई ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं सबसे पहले इसके टाइमिंग को परफेक्ट कर लेता हूँ। टाइमिंग मिलाने के बाद इस गाड़ी को आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं फालतू का कोई काम नहीं करता हूँ। गाड़ी को किक मारने से पता चल रहा था कि ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर कोई चीज टकरा रही है। तो सबसे पहले जब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो उसको टाइमिंग को परफेक्ट तरीके से लेना होता है। तो सबसे पहले इसके टाइमिंग को सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देते हैं। टाइमिंग के लिए एक एक दांते को अच्छे से काउंट कर दिया गया है। टाइमिंग अच्छे से सेट हो गया है, सिर्फ गाड़ी को फिटेड करते हैं और गाड़ी को आपको पहले किक में स्टार्ट करके दिखाते हैं। टाइमिंग चैन का काफी ज्यादा साउंड है, ये कस्टमर से डिसीजन लिया जाएगा, उनसे पूछते हैं, क्योंकि गाड़ी ऑयल स्मोक भी कर रही है और काफी ज्यादा प्रॉब्लम से अगर कस्टमर कराते हैं तो ठीक है, वरना जिस मकसद से गाड़ी आई थी उनको स्टार्ट करके दे दिया जाएगा। उसके बाद वो जैसा भी डिसीजन लेंगे उसके बाद की बात है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम थी उसको स्टार्ट करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, बाकी हम कस्टमर को हैंडल कर लेते हैं। उसके लिए सारी चीजों को फिट कर देता हूँ। गाड़ी को अच्छे से फिट कर दिए हैं, इसके टाइफिट ढक्कन, इसकी टंगी, सिर्फ सीट लगने को रह गया है। उसके लिए चाबी स्विच को ऑन कर लेते हैं और गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे पहला ही किक लगाएंगे, क्लिक स्टार्ट करेंगे यहाँ पे गाड़ी, तो गाड़ी फर्स्ट किक में ही स्टार्ट हो गई है बराबर। गाड़ी अच्छे से आप देख रहे हैं, तो इसमें ऑयल स्मोक का प्रॉब्लम है, काफी ज्यादा ऑयल उठा रही है। इसके साथ साथ इसमें प्रॉब्लम जो भी था, जब भी टाइमिंग आउट रहेगा तो या तो इसका टाइमिंग चेन का इश्यू हो सकता है, कभी टाइमिंग एडजस्टर भी काम छोड़ देता है, उसकी वजह से भी आपका टाइमिंग गाड़ी का आउट हो सकता है। तो यहाँ पे जस्ट हमने कुछ नहीं किया है, आपको जो दिखाया था कि टाइमिंग आउट है इसका, सिर्फ इतना ही कुछ किया है और गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं जिस तरीके से हमने बताया है, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो उसको इसी तरीके से सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा गाड़ी में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। जो मेरे अच्छे मैकेनिक, अच्छी नॉलेज रखने वाले होते हैं, वो गाड़ी में सेल्फ या किक लगा के ही समझ जाते हैं कि आखिर गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,